बीजेपी नेता जयवान सिंह पवैया ने कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ अपनी ही पार्टी पर कांग्रेस से आने वालों पर प्यार लुटाने को लेकर भी निशाना साधा है। पवैया का ये ट्वीट कांग्रेस को टारगेट करने के साथ बीजेपी नेताओं की पीड़ा को भी व्यक्त करता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया ने एक बार फिर ट्वीट कर प्रदेश के राजनीति में भूचाल लाने की कोशिश की है। उन्होंने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए ये ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है, हे कांग्रेस की राजमाता, अपने कुनबे को संभालिए ना, आखिर आपकी रूठी हुई राजनीतिक संतानों को हम अपनों के हिस्से का कितना प्यार लुटाते रहेंगे। यदि नहीं संभलता तो किसी दिवालिया फर्म की तरह कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड का शटर डाउन क्यों नहीं कर देते, आप और देश दोनों ही सुकून में रहेंगे। उनके इस ट्वीट को एक तीर से दो निशाने वाला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ अपनी ही पार्टी पर कांग्रेस के आने वालों पर प्यार लुटाने को लेकर निशाना साधा है। खबर यह भी है कि बीजेपी के एक बड़े वर्ग ने इस ट्वीट के बाद पवैया से संपर्क किया है। माना जा रहा है कि बीजेपी के पुराने लोग इसके बाद और मुखर होंगे। दरअसल जयभान सिंह पवैया राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया धुर विरोधी रहे हैं। पिछले दिनों जब सिंधिया समर्थक मंत्री ग्वालियर पहुंचे थे तो उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि मध्य प्रदेश के नए मंत्री गण अब जब ग्वालियर आए तो वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर दो फूल चढ़ाने क्यों नहीं गए। याद रखें, यह प्रजातंत्र और मंत्री परिषद शहीदों के लहू से ही उपजे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।